धर्म परिवर्तन से क्या हिंदुस्तान के सॉवरेंटी पर कोई खतरा है? हम ये प्रश्न करना चाहते हैं। जहाँ जिसको मन चुकी है तो धर्म निरपेक्ष राज्य है, देश है। यहाँ अपने मन के अनुसार धर्म पालन करना, धर्म प्रचार करना, ये सब स्वतंत्रता है। तो वैसी परिस्थिति में कौन कहाँ जा रहे हैं, ये कोई समस्या का विषय मेरे समस्या नहीं है। इसका मतलब है ना कि जिस घर में हम हैं, अगर घर में मान मर्यादा इज्जत नहीं है और कहीं दूसरे जगह मान मर्यादा इज्जत मिल रही है, तो स्वाभाविक लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस घर में हम हैं उस घर के मालिक को समझना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हैं। ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है कि ये घर से बाहर कर रहे हैं। कहा गया है कि रहमन नसुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेह थे कसन भेद कही, कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि क्यों आखिर छोड़ के जा रहा है, हमको सोचना चाहिए। अगर कहीं गलती है तब ना छोड़ के जा रहा है। आप मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ विकास संभव नहीं है, आप छुआछूत अछूतशाली की बात आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वो कोई खतरा नहीं है देश के सॉवरेंटी पर। धर्म विशेष की बात हो सके तो जब जब धर्म लचीला हुआ है तब तक उस धर्म का प्रचार हुआ है, और जब जब धर्म रिजिड हुआ है तब तक उस धर्म का नाश हुआ है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग ये सब जानते हैं। तो जहाँ तक अभी हिंदू धर्म का सवाल है, अब 70 वर्ष आज़ादी के हो गए, अभी भी जात पात छुआ छीत ऊंच नीच सारी बात है। अब बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई मंदिर में जाता है और मंदिर धोवाता है, तो आखिर क्या है भाई? ऐसा वो मंदिर है, उस मंदिर में अगर ये जाना जाता तो वो आदमी जाता भी नहीं, वहाँ पर पेशाब करने के लिए भी नहीं जाता। लेकिन जब ऐसा कर रहा है लोग, तो आखिर क्या कर लोग सोचेगा? इसलिए जो धर्म के पुजारी हैं या धर्म के जो अपने को समझते हैं कि हम ये हैं, अपने में सुधार लाने का प्रयास करें, तभी धर्म नामांतरण रुकेगा। उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, मान मर्यादा नहीं मिल रही है, विकास नहीं देख रहे हैं, तब ना वैसा कर रहे हैं। आज झारखंड का उदाहरण हम लोग देते हैं, अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि जितना आदिवासी वहाँ जो धर्म परिवर्तन कर दिए तो आईएएस आईपीएस और सब गवर्नमेंट सर्विसेज में है, और जो हिंदू धर्म किया है वो बहुत कम है। तो कहने का मतलब कि वहाँ ज़्यादा सुविधा है, तब ऐसा किया है। आप भी हिंदू धर्म का अगर पुरोधा लोग हैं तो वैसे वैसे लोगों को उत्थान के लिए प्रयास कीजिए, ताकि उधर लोग ना जाए, आपके पास रह जाए। तो कमी तो यहाँ है, सुधारना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि धर्मांतर करने बड़ी ख़राब बात हो रही है। इसलिए हम यही समझते हैं कि वही जाहि निकारो गेह थे कसन भेद कही, आप घर से निकाल दीजिएगा, बेइज्जत कर दीजिएगा, तो हम आपकी बात तो कहवे करेंगे दूसरे जगह कि हाँ आपने ऐसा किया है। तो वही चीज़ है, इसलिए कहीं कहीं वैसा केस हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है। लेकिन बाई एंड लार्ज सब लोग दूसरे जगह जा रहे हैं तो अपना विकास के लिए जा रहे हैं कि हमको वहाँ विकास होगा, और उसका उदाहरण आपको हम बता दिया। झारखंड में आज शिड्यूल कास्ट को अगर देख लीजिए कि 14% आरक्षण है, उसके बावजूद भी आईएएस आईपीएस में कितने लोग हैं? अभी भी बहुत जगह खाली है। तो इसलिए कि उनकी ऊँची पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात अंबेडकर साहब ने कहा था, आज 74 साल बीत गया, 20 लाख 25 लाख 30 लाख दे करके बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और गरीब के बच्चा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है और न कोई व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था में चलेगा? इसलिए व्यवस्था ठीक कीजिए, सबको बराबर कीजिए। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार पर चलिए। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान कर दीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अपने रास्ते पर आएंगे।